हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, मींस 12 बज चुके हैं और मैं सारे काम से हो गई हूँ फ्री। और अभी बन रहा है मेरा खाना, मैंने सोचा खाना बना ली। तो खाना बनाना है मुझे थोड़ा सा नॉर्मली वेज पुलाव बनाना है। तो सोचा कि आलू वगैरह प्याज वगैरह कट कर ली, तो नीमा कट करने बैठी थी। और आप कैसे हैं गाइस? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बहुत दिन बाद ये मेरा ब्लॉग है, मतलब 2 दिन हो गए, बहुत दिन नहीं हुआ, 2 दिन हुआ है। तो 2 दिन, अब तीसरा दिन है, आज अपलोड हो जाना चाहिए कोई भी ब्लॉग, लेकिन आज ऑलरेडी दूसरे दिन बन रहा है। तो आज अपलोड करूँगी बनाने के बाद। तो वही मैं लगी हूँ, आज दोपहर से मेरा शुरू हुआ है ब्लॉग। और इस टाइम में थोड़ी इस तबीयत भी सही नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ टाइम टू टाइम। थोड़ी तबीयत सही नहीं रहती है, वीकनेस लगता है, वही सारी चीज़ें हैं। तो भाई सभी मैं प्याज लहसुन वगैरह तैयार कर रही हूँ, मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैं सोचा मसाला कट करते करते आपसे थोड़ी बात हो जाए। और यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करना भले भूल जाइएगा, लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो लाइक नहीं करते हो। तो थोड़ा जिस तरह आप कमेंट करते हो, आप लिखते हो नाइस वीडियो, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्लॉग, और जो भी ऑसम, तो उसकी जैसे आप लिखते हो वैसे आप लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि इतना लिखने में कम से कम 1 मिनट तो लगता है। तो 1 सेकंड में एक लाइक दे दिया करिए, है ना? अगर आपको अच्छी लगती है तो जिस तरह आपको अच्छी लगती है तभी तो कमेंट कर रहे हैं, है ना? उस तरह आप लाइक दे दिया करिए। तो वही मैं कहना चाह रही। और आप मेरे वीडियो में आते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं आप लोग की वीडियो में नहीं पहुँच पा रही थी। मैं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ अपलोड कर देती थी 1-2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन वीडियो में नहीं पहुंच पा रही हूँ किसी के। तो प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट बता दिया करिए वीडियो में, कमेंट करके कि आप हमारे यहाँ भी आइए, तो मुझे याद आ जाता है। वैसे ही मैं जाती हूँ, लेकिन थोड़ा तबीयत की वजह से नहीं जा पा रही हूँ, तो वही है। ओके, तो मैं कर लूँ काम, फिर मैं आप सुनती हूँ बाद में। बाय बाय, तब तक के लिए। क्या खा रहे हो? रेप्स खा रहे हो? ठीक है, खा लो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ पुलाव, और मैं बहुत ही नॉर्मल पुलाव बना रही हूँ, इसमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है, ऐसे ही, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने बताया आपको। और मेरी वजह से मैं खाना ना बनाऊँ तो बच्चे भूखे रह जाएंगे और मेरे हस्बैंड भी, तो इसीलिए मैंने नॉर्मली पुलाव ऐसे ही बना दिया है आलू डाल के। मैंने ज़्यादा कुछ डाला भी नहीं है, सिंपल सा पुलाव है, तो मैंने सोचा बना दूँ, कम से कम भूखे नहीं रहेंगे जो भी है मेरे बच्चे और हस्बैंड। तो यही लगता है कि मैं भले भूखी रह जाऊँ, मगर मेरे रहते मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भूखे ना रहें, तो वही मैंने नॉर्मल पुलाव बनाया है। और अब ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो इवनिंग में मैंने बनाया है चाय, चाय बन रही है। गाइस गुड इवनिंग आप सभी को इस चाय के साथ में। और मैं अब ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगी, आज थोड़ा सा मेरा पैर भी जल गया है। कैसे जल गया? मेरे घर का पंखा अचानक से जल गया, और उसके ऊपर से जो प्लास्टिक होता है जल जल के मेरे बेड पे गिर गया, तो मेरे पैर में भी गिर गया, तो मेरा पैर जल गया है। और इसीलिए मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस इतना वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगी। देखिए कैसे मेरा पंखा जला है, इसका प्लास्टिक मेरे पैर में गिर गया, तो उसका भी मैंने नहीं दिखाया आपको, तो मेरा पैर जल गया। ओके, बाय, टेक केयर।